हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं राज शर्मा, स्किल्स ऑटोमोबाइल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस कार पर काम कर रहे हैं वो है फिएट पुंटो, और इस कार में सस्पेंशन का काम है, लेकिन कार काफ़ी पुरानी है तो ऑफ कोर्स कस्टमर बहुत ज़्यादा काम नहीं कराना चाहते हैं। तो जो प्रॉब्लम है कार के सस्पेंशन में, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सस्पेंशन का काम है और क्या क्या चीज़ें आपको सामने दिखती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, जिसे चेंज करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पूरी कार का सस्पेंशन का काम ना भी कराएं तो भी चलेगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी रीज़न की वजह से। क्योंकि अगर आप चला रहे हैं और कहीं पर बड़े गड्ढे अगर आ गए, तो अगर गाड़ी सडनली गड्ढे में जाएगी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो चीज़ें टूट जाएँ। तो अगर कभी आपको लगे कि आप पूरा सस्पेंशन का काम नहीं करा पा रहे हैं फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, तो आप ये छोटे जो काम हैं ये ज़रूर कर लें अपने सस्पेंशन में। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमें क्या क्या चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है फिएट पुंटो, और गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो इसका भी हमने सस्पेंशन खोल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर चेंज कर लेनी चाहिए। उनमें से एक है ये, इसको स्टेबलाइजर लिंक या फिर इसको लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये पूरा फट चुका है, एकदम खराब हो चुका है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये है इसके लोअर आर्म बुश, ये आप देखिए पूरे तरीके से कट चुके हैं। मैं और पास में ले जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जगह काफ़ी कम है। ये जो है ये पूरे तरीके से कट चुके हैं, तो आपको लोअर आर्म बुशेस चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। लोअर आर्म बुश की पूरी किट भी आती है, जिसमें एक बुश यहाँ लगता है, एक बुश यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर इसका बॉल जॉइंट लगता है, ये जो है। तो ये चीज़ें चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये आपका, इसको कहते हैं टायर रॉड एंड बॉल जॉइंट, ये बॉल जॉइंट है, टायर रॉड एंड है, ये आपको चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये अभी आप देख सकते हैं कि इसके शॉकअप वगैरह पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं इसके शॉकअप्स, बट फॉर एनी रीज़न कस्टमर फिलहाल पूरा काम नहीं करा पाएंगे। बट सेफ्टी के लिए अभी, क्योंकि वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो सेफ्टी के लिए अभी हमें ये चीज़ें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम ये चेंज कर देंगे, लोअर आर्म के बुश चेंज कर देंगे तीनों, और उसके बाद ये जो लिंकेज है ये चेंज कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब है। और आप अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग रैक है, ये पूरा लीक हो चुका है और ऑफकोर्स ये ख़राब भी हो चुका है। तो इसके एक्सल में भी है प्रॉब्लम, ये अपना स्टेयरिंग रैक है और ये अपना एक्सल है, सॉरी मैंने वो वर्ड गलत बोला था। तो ये एक्सल अगर आप देखेंगे, देखिए फट चुका है पूरे तरीके से, देख रहे हैं। तो एक्सल का भी प्रॉब्लम है, बट वो इतना मेजर नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग फॉर नाउ। ये जो चीज़ें हैं बहुत मेजर है, जिसको अभी हम चेंज कर देंगे। सो गाइज, इसके बुश जो हैं नए वाले प्रेस करा कर आए हैं, ये टर्नर के पास जाकर हमें हाइड्रोलिक प्रेस कराने पड़ते हैं, ये वाले बुश, ये यहाँ वाले, तो ये सब प्रेस हो गए हैं। उसके बाद बाकी का अभी हमें इसका बोल जॉइंट वगैरह सब चेंज करना है। और ये इसके, ये देखिए इसका पुराने वाले बुश हैं, ये जो कट गए थे पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हो कितना हार्ड हो चुके हैं, ये तो देखो टूट कर बाहर ही आ चुका है पूरी तरीके से। ये बुशेस भी देखो, ये पूरे तरीके से कट चुके हैं। ये बुशेस चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये चेंज हो गए हैं। बाकी इसका जो ये वाला अपना टायर रॉड एंड है, ये चेंज हो जाएगा, एंड जो लिंकेज है वो भी चेंज हो जाएगा। ये इसके लिंकेज हैं, ये देखिए आप पूरे तरीके से इसके जो रबड़ हैं पूरे तरीके से हार्ड हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना आराम से एक उंगली से पूरा हिलता, तो इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। और ये देखने में आपको पता चल रहा है, देखिए पूरा कट चुका है, पूरे तरीके से कट चुका है ये। सो ये चेंज हो जाएगा। सो गाइस, ये इसके लिंकेज हैं नए वाले, ये पुराने वाले हैं, ये हटा देंगे। एक लिंकेज इस साइड लेफ्ट साइड लगेगा और एक राइट साइड में लगेगा।
ये इसका जो लोअर आर्म है ये फिटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ठोक कर अंदर, एक उस तरफ आएगा और एक राइट साइड में आएगा। एक इस तरफ लगेगा जो अपना नट बोल्ट है, और एक उस तरफ लगेगा। इस तरफ का बोल्ट है वो लगा दिया है, उसको सिर्फ टाइट करना बाकी है, एंड इधर की तरफ जो होता है नट बोल्ट वो टाइट करना है। स्पेस थोड़ा कम होता है तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड होता है इसको टाइट करना, काफ़ी कम स्पेस में आपको, क्योंकि पूरा हाथ के अंदर जाने की जगह नहीं है आपके लिए। ये इसकी न्यू टायरोड एंड है जो भी चेंज करने हैं, दोनों साइड के हैं, राइट और लेफ्ट साइड के, बस यही चीज़ें चेंज करनी है, दैट्स इट, काम खत्म हो गया इसका। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोगों ने इसके लोअर आर्म के बुश चेंज किए, इसका जो टायरोड एंड था वो चेंज किया, लिंकेज चेंज कर दिया। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सस्पेंशन की सेफ्टी में। सो अगर आपके पास बजट ना हो तो भी ये चीज़ें ज़रूर चेंज कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास कार हैं उनके साथ शेयर कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।